के ले रहा है तू? जा की सबसे बड़ी मंडी है हमारे जन्म से पहले की है। जितना माल इस मंडी में खप सकता है किसी मंडी में नहीं खप सकता। मंडी में 80% उधार माल बिकता है जी। उसमें नसीब है कि वापसी कितनी आए, गाड़ी लेट होगी, आधे से ज्यादा माल खराब हो जाएगा उसका। मंडी के अगर सही समय पर गाड़ी आ जाए तो 1-2 रुपए ऊपर चला जाता भाव। किसान के पास हमने 22 रुपए किलो भिंडी ली है तो किसान को 20 रुपए ही मिलेगी, उसमें वो अपना ट्रांसपोर्ट का पल्लेदारी वो सब वो खुद ही भरता है। अभी CNG देखो, पेट्रोल डीजल के बराबर CNG चल रही है। अरे वही मतलब 15-16 हजार हो जाता था, अभी 10 हजार पूरने में मुश्किल हो जाता है। 5 साल पहले बहुत बढ़िया था। टमाटर में तो आग लगी हुई है, कल बैंगलोर का भाव 4,000-4,500 रुपए था। टमाटर तो अभी हम लोग ने ही खाना छोड़ दिया है, आम ले जाते हैं कच्चा काट काट के वही पीस के डाल देते, सब्जी भी खट्टी हो जाती है। और क्या कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार भैया। नमस्कार सर। वो कहाँ के? मैं लोग तो बिहार। कब आए बिहार से? कितने साल हो गए? मैं 1998 में। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी गांव में अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सीजन है तो आगे। अच्छा, अभी है यहाँ? बुलाओ वो छोटू, कब ले हो? कैसे हो? तुम क्या करोगे बड़े होके? एक यही काम करोगे? क्या करोगे? पुलिस। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। कितना पैसा बनता है आपका महीने में? महीने में से बाजार अप डाउन होता रहता है, कभी अप है कभी डाउन है, कोई महीने में 5 दिन डाउन आ जाता है, बाकी जो कच्चा पानी चलता रहता है, महंगाई बहुत। तो सबसे अच्छा टाइम कब होता है आपके लिए साल में? टाइम तो ऐसे है फसल पे, जैसे क्वांटिटी ज्यादा आ गई तो रेट डाउन होना ही होना है। अभी क्या सिचुएशन है? अब डाउन ही है मार्केट, बिल्कुल महंगाई इतनी है। इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर? सर माल ही क्या हो रहा है? माल ही नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से आता है? बंगलौर से, हिमाचल से। ये 40 साल टमाटर बेचते हुए मगर कभी इतना भाव नहीं हुआ। ये रेट 5,000 रुपये। तो काफी टेंशन में हो? बिल्कुल टेंशन में सर। कल गाड़ी एक आदमी गाड़ी गुम हो गया था कल, वो जाकर पकड़ाया अहमदाबाद में। ये हालत है कमाल का सर। कब से हो? मैं यहाँ 10 साल। क्या भाव है? कितने घंटे काम करते हो? 14-15 घंटा काम कर लेते हैं सर। और आपकी फैमिली परिवार कहाँ है? सारे गांव में सर। कितने बार मिलते हो उनसे? सर लगभग 1.5 साल हो गया गांव में गया। नहीं मिले बच्चों से? बीवी से नहीं मिले? तो महंगाई सर इतनी हो गई है, हम खरीद तो ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पब्लिक खरीद नहीं पा रही है, पब्लिक काफ़ी परेशान है, इसमें हमारा भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है, सबका मजदूर का भी नुकसान है सर। कोविड हुआ, काफी मुश्किल हुई होगी सबको। काफी लोगों का, लाखों क्या करोड़ लोगों का एम्प्लॉय छूट गया सर। सर जी पैदल ले गया, मेरे घरवाली मर गई, मैं बिकला आदमी सर। रोजी रोटी नहीं मिल रहा था सर, यहाँ तो जाना ही पड़ रहा था, काम नहीं मिल रहा था, मकान मालिक मकान किराया मांग रहा था। ये काफी 10-15 ईयर्स में काफी महंगाई बढ़ गया। हम लोग पहले खुश थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, कोई इशू नहीं था गरीबी का। हर महीने किसान कितना मर रहा है, लोग खुशी से खाते थे, कमाते थे, रोजगार था, रोजगार है ही नहीं, फ्यूचर कहीं से किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। और आने वाले जो फ्यूचर है, बच्चों की पीढ़ी, उनका भविष्य क्या है? पहले जैसे 20-30 रुपया नग मिलता था, अब 15 हो गया है, मजदूरी घटते जा रहा है सर। मजदूरी घट रहा है जी सर। ये जो GST है, इससे फायदा हुआ आपको नुकसान? वही नुकसान है सर, हर चीज में GST है, तेल साबुन में GST, आटा दाल चावल में GST, एक बच्चा स्कूल जाता है उसकी कॉपी में GST, चाय हम पी रहे सर इसमें भी टैक्स है। तो महंगाई से सबसे ज्यादा चोट आपको किस चीज में लगती है? 1200-1500 रुपए सिलेंडर आता था, आज 1105 रुपए सिलेंडर हो गया। सर चक्कर क्या है ना, GST लगने के बाद कंपनी बहुत सारी बंद हो गई। सर हम वजीरपुर में काम करते थे, वहाँ स्टील का काम होता था, अब वो सारी कंपनी बंद हो गई। अब वहाँ के लोग सारे आ गए मंडी में, जहाँ 20 आदमी काम करते थे वहाँ 40-50 आदमी हो गए। काम तो उतना ही है, अब उसी में कोई 20 रुपए में लग जा रहा है, कोई 10 में लग जा रहा है, कोई 5 में लग जा रहा है। ये मतलब ये कंपटीशन बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया। इतना क्यों बढ़ रहा है? जिनके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट किसी से सपोर्ट करती है, तो छोटा आदमी को तो कर लोन मिलता नहीं है, अगर लेता भी है वो डरता है, भैया
कल के दिन अगर मैं नहीं लोन भर पाया तो मेरे को तो जेल हो जाएगी। एक हफ्ते में तीन दिन या दो दिन तो भूखा सोने का। 4000 का करेट है टमाटर का, अगर हम ले जाएंगे 4000 का हमारा पैसा पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे ले जाके? इतना महंगा कौन लेता है इस टाइम? ना मिला तो वापसी, फिर क्या करोगे? वापसी घर चले जाते हैं, भूखे सोते हैं और क्या होगा। रिलायंस में 120 रुपए किलो टमाटर, हाँ। और हमको पड़ रहा है 160 रुपए किलो टमाटर। वो डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक के पास ये आइटम पांच बार में जाता है। अगर डायरेक्ट किसान से ले तो इतनी महंगाई होगी नहीं, तो किसान का माल तो कोई और उठा रहा है। बड़ी कंपनी है वो उठा लेती है, उठा लेते हैं। हमको कहाँ मिलेगा गरीब लोग? आपके टाइम पर कोई सौदा अगर महंगा भी होता ना तो उससे पहले आपकी सरकार ने थोड़ा सस्ता करने के लिए हमें सामान दी थी। अगर 300 कमा रहे हैं ना हम तो 200 खर्च कर देते हैं, 100 फ्री व्यवस्था था। अगर आज हम 500 कमा रहे हैं ना 600 खर्चा हो जाता है। पापा पहले तो आप ही नहीं ऐसा खर्चा करते थे, हमारे लिए सब कुछ लाते थे, अब आपको क्या हो गया? मैंने कहा इनकम नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं बेटा? तो बोले आप जॉब करो, ये काम छोड़ो। मैंने कहा जॉब कहाँ है, जॉब ही तो खत्म हो गई है। के बच्चे ऐसे कहते हैं, आपको क्या लगता है मतलब? अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है। पापा आपने हमको पहले प्राइवेट की आदत डाल दी है, हम गवर्नमेंट में क्यों पढ़ा रहे हो? हमें ये कह रहा है समय कब चेंज होगा? आपने बिठा दिया ना, ऐसा कोई नहीं बिठाता हम। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके जिम्मे बराबर होना चाहिए, तब तो समान होगा। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत अच्छा लगा। समय बदलेगा सर, फोटो लेना आ जाओ, इनका भी ले लो।